आप देख रहे हैं बीएचपीसी न्यूज। नमस्कार, बीएचपीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन विभाग। चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कमर कस ली है। पेंटागन ने अपने एयरक्राफ्ट कुरियर यूएस रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में सातवें बेड़े को डटे रहने के आदेश दिए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को चेतावनी दी है कि वह संकट को पैदा न करे, वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। अमेरिका ने कहा है कि वह नैन्सी पेलोसी के दौरे का इस्तेमाल अपने आक्रामक सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने के लिए नहीं करे। आइए जानते हैं सातवें बेड़े की क्या ताकत है। क्या सातवें बेड़े से भयभीत है अमेरिका? इसके साथ ये भी जानते हैं कि अमेरिका ने कब कब अपने महाविनाशक सातवें बेड़े का इस्तेमाल किया है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद अमेरिका और चीन के मध्य तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि परमाणु एयरक्राफ्ट रोनाल्ड रीगन ताइवान के पास बना रहेगा। अमेरिका ने कहा है कि उसका सातवां बेड़ा हालात की निगरानी करेगा। चीन ने ऐलान किया है कि वह 4 से लेकर 7 अगस्त तक इस इलाके में टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका ने यह कदम तब उठाया है जब चीन ने गुरुवार को ताइवान क्षेत्र के पास 11 मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें ताइवान के ऊपर से निकली थी। इसके बाद ताइवान जल डमरू मध्य में अमेरिका ने अपना सातवां बेड़ा तैनात किया है। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका का सातवां बेड़ा इस समय पूर्वी चीन और फिलीपींस सागर में लगातार गश्त कर रहा है। वह चीनी सेना की हरकतों पर लगातार नज़र बनाए हुए है। रोनाल्ड रीगन कैरियर पर अमेरिका के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट तैनात हैं। इसके साथ कई और विशाल और घातक युद्धपोत भी लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह कई घातक मिसाइलों से लैस है। अमेरिकी नौसेना का सातवां बेड़े का नाम आते ही दुश्मन की हालत पतली होने लगती है। अमेरिका का सातवां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे अग्रणी तैनाती वाला बेड़ा है। इस बेड़े में 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस बेड़े में करीब 150 युद्धक विमान सम्मिलित हैं। इसमें करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। नौसेना की ये बड़ी और शक्तिशाली टीम समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करती हैं। 75 वर्षों से अधिक यह सातवां बेड़ा भारतीय हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। इसकी सक्रियता पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में है और सातवें बेड़े का कार्यक्षेत्र 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके संचालन क्षेत्र में 36 देश शामिल हैं। इसमें दुनिया की आधी आबादी शामिल है। शीत युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस बेड़े का नाम आया था। इस युद्ध में पूर्व सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था और अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने सातवें बेड़े की धौंस दिखाई थी। पिछले वर्ष यह सातवां बेड़ा भारतीय परिप्रेक्ष्य के चलते सुर्खियों में आया था। कुछ महीने पूर्व अमेरिका के सातवें बेड़े में शामिल नौसैनिक जहाज जान पाल जोन्स ने भारत के लक्षद्वीप समूह के नज़दीक 130 समुद्री मील पश्चिम में भारत के विशिष्ट आर्जिक जोन में अपने एक अभियान को अंजाम दिया था। और ख़ास बात यह है कि ऐसा करते समय अमेरिकी नौसेना ने भारत से इसकी इजाज़त नहीं ली थी। इस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बीएचपीसी न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।